कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है, किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर भरत क्षेत्र पर पड़ी है, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। जो इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं उनको पार उतार देते हैं, जो कैवल्य चाहते हैं उनको कैवल्य दे देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन करता हूँ। शासन पति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान करने, उस प्रभु के अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत साधना को अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, कृतज्ञता के भाव नमन के भाव। आज का ये पावन दिवस युवाचार्य श्री जी के जन्म दिवस का है। मैं जानता हूँ समय काफ़ी हो गया, फिर भी आपकी श्रद्धा है, भारत भर के लोग यहाँ आए हैं और बैठे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं। अधिक लंबा ना कहूँगा, कुछ बातें कुछ कहना भी चाहूँगा। एक वृद्ध ऋषि से किसी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु क्या है? उस ऋषि ने कहा आकाश। आकाश में सब समा जाता है और आकाश किसी पर आधारित नहीं रहता। फिर शिष्य ने प्रश्न किया सबसे श्रेष्ठ क्या है? ऋषि ने कहा शील। शील पर सब न्योछावर है। भगवान महावीर तवे सुवा उत्तम बम चेरम, तपों में श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य शील। शील के आगे नतमस्तक होते। उस ऋषि से फिर पूछा कि सबसे गतिमान कौन है? ऋषि ने कहा ये मन और मन के विचार जहां जहां पहुंच जाते हैं। फिर ऋषि से पूछा भंते सबसे सरल क्या है? ऋषि ने कहा सबसे सरल है उपदेश देना, जो हम आपको निरंतर उपदेश देते हैं। पर उपदेश कुशल बहुत पर आचार ही ते नर ना घने रे। उपदेश देना बहुत सरल है, नाम पद प्राप्त कर लेना बहुत सरल है, उसका आचरण करना बहुत कठिन। फिर ऋषि से पूछा सरल बता दिया तो कठिन क्या है? ऋषि ने कहा सबसे कठिन है आत्मज्ञान। क्या कहा? आत्मज्ञान, आत्मध्यान, आत्मरमण, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मा में स्थिर हो जाना। उस ऋषि की वाणी, युवाचार्य श्री जी का जन्मदिन, धन्य है वो माता पिता जो आचार्य श्री जी के दर्शन करने गए और दोनों
पति पत्नी के कहूँ या माता पिता कहूँ के मन में भाव आ गया कि मैंने एक भाव आया मेरे मन में, तुम्हारे मन में क्या आया कि कोई बेटा होगा तो हम गुरु के चरणों में देंगे, माँ के मन में भी भाव आ गया, पिता के मन में भी भाव आ गया, देखिए संकल्प, धन्य है वो माता पिता, माँ लीला देवी और स्वार्थी लाल, कैसा भाव आया, बेटी भी हो सकती थी, बेटा हुआ, सुंदर बेटा हुआ, वो संस्कार माता पिता के, वो संकल्प माता पिता का बेटी पर असर जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि गर्भ के संस्कार माता को पिता को देने चाहिए कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ जिनवानी है, तेरा पिता अरिहंत परमात्मा है, ये संस्कार दोगे तो बच्चे बहुत अच्छे होंगे, धन्य है वो माता पिता। और छोटा बच्चा ज़्यादा स्कूल की पढ़ाई नहीं की, आपने देखा बंटे खेलते थे, हम भी बंटे खेलते थे, वो हमारे ज़माने में गुल्ली डंडा होता था, क्रिकेट ये बड़ी नहीं होती थी, हम भी ऐसे खेले थे, मट्टी में खेले हैं, सब कुछ किया। बच्चा खेलता है कैसे गुरुदेव के पास आ जाता है, वो माँ के संस्कार थे, वो माँ की भावना थी जो इस बच्चे के हृदय में पैदा हो गई। और ऐके आके कहा एक बार कि मैं भी दीक्षा देना चाहता हूँ, और धन्य है वो माता पिता, इनकार नहीं किया। आज वो माता पिता स्वर्ग में बैठे होंगे, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उस माता पिता को जिस बच्चे को जन्म दे करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। कोई है माई का लाल, माई का बेटा, धन्य है वो माता पिता। और उस छोटे से बच्चे ने पकड़ ली गुरु की बाह, साथ चल दी, घर में बुलाने आए नहीं गया, पिताजी ने कहा पढ़ाई करवानी है, पूछा गुरुदेव, गुरुदेव ने कहा चले जाओ बच्चे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही पढ़ूंगा। देखो बच्चे का प्यार और गुरुदेव का आशीष, बच्चे ने वहीं पढ़ा, छठी पांचवी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी छोटी, गुरुदेव ने पढ़ाया, बड़ा किया, सारे आपने सारे नाटिका के माध्यम से सुना, मंजू बना, महेंद्र ऋषि बना, युवाचार्य बना, ये सारी बातें कहता हूँ, इनका बहुत बड़ा पुण्य था, पुण्य नहीं होता, इनका पुरुषार्थ भी था। बहुत लोगों का पुण्य होता है, धनपति अरबपति करोड़पति होते हैं, मन में भाव ही नहीं आता दीक्षा लेने का, मन में भाव ही नहीं आता सत्संग सुनने का, मन में भाव ही नहीं आता ध्यान शिविर करने का, ऐसे भी लोग बैठे सब कुछ कर लेंगे, गुरुओं के पास नहीं आएंगे, ध्यान शिविर नहीं करेंगे। उस बच्चे ने गुरु के पास बैठ करके अध्ययन किया, सेवा की, शास्त्र पढ़े, अध्ययन किया। जब मैं गुरुदेव के पास में था, मेरा कोई ज़्यादा परिचय नहीं था इनसे, एक दो बार मिला था, गुरुदेव के पास जब स्वाध्याय होता था ये पास में बैठते थे, ठीक समय पर आ जाते थे, गुरुदेव के पास आकर के स्वाध्याय करते थे, विनीत थे, विनम्रता इनके, मैंने देखा विनम्रता को देखा, हमने इंदौर सम्मेलन में भी विनम्रता को देखा, विनय मूल धम्मो, धर्म का मूल है विनय, दंशन मूल धम्मो, धर्म का मूल है दर्शन, श्रद्धा मूल धम्मो, धर्म का मूल है श्रद्धा, इसमें विनय है, श्रद्धा है, शील है, शील का पालन है, हमने सबको देखा, सब मुनियों को देखा, कौन है आचरणवान, कौन है शीलवान, कौन है विनयवान, इनके पास कोई सिफारिश नहीं थी, मेरे पास बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश आई थी, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तुम कर दो वैसा कर दो, सबकी मैंने सुन लिया, और मुझे कहने लगे कितने करोड़ में युवाचार्य पद बेच दिया, हमारे ही संत कहने लगे, अच्छा भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा भला हो, तुमने भी दो चार करोड़ देना दे दो, संत मुख से कहते हैं कितने करोड़ में आचार्य बिक गए। और जब आचार्य आनंद ऋषि जी ने युवाचार्य बना, उनको भी ऐसे कहते थे कितने करोड़ में युवाचार्य बेच दिया, लोग हैं करुणा आती है उन पर, क्या कोई आचार्य युवाचार्य का पद
करोड़ों में बेचेगा? क्या घर बार छोड़ के इसलिए आए हम, किस लिए संपत्ति इकट्ठे करेंगे? और मैं एक ही बात उदय वृक्ष संघ को कहते, श्रमण संघ को महत्व दो, महावीर की साधना को महत्व दे। कोई पंथ नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, सर्वोत्तम महावीर है आत्मा, अरिहंत परमात्मा महावीर। तुम फिर जाओगे, इन गुरुओं ने भी हमको अलग अलग बांटा है। मैं नहीं चाहता, मैंने कोई पंजाब परंपरा की बात नहीं कही। मैं कह सकता था आचार्य आत्माराम जी का हाल बना दो, आत्माराम का स्थानक बना दो, वो जो आत्मा और राम, राम और आत्मा, वो स्थानक में मैं उनको बांध दूंगा, मैं एक हाल में बांध दूंगा। वो महान व्यक्तित्व के धनी, कि आनंद ऋषि जी को बांध सकते हो, आचार्य आत्माराम को बांध सकते हो, देवेंद्र जी को बांध सकते हो, किसी को नहीं बांध सकते। तो यहाँ की श्री संघ ने, यहाँ की सारी कार्य समिति ने, मैं किसी का नाम क्या लूँ ना लूँ, लगे हैं सेवा के लिए, युवक सब। मैं आता हूँ, 10-15 इधर से उधर से आ जाते, मैं जो बात मुझे अच्छी लगती वो ही मैं करता हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ, महावीर के ऊपर कोई नहीं, महावीर की साधना के ऊपर कोई नहीं, अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरसी। और इसके साक्षात उदाहरण है वीतराग साधिका निशा जी। मैं आज फिर कहता हूँ, कॉन्फ्रेंस हमारी मातृ संस्था है, कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा काम कर सकती है। हर एक की अपनी अपनी संस्थाएं हैं, उनकी इशारे पर काम होता है कि तुम ब्रिज बन करके काम कर सकते हो। कॉन्फ्रेंस मातृ संस्था है, ये इलेक्शन नहीं चाहिए, ये सिलेक्शन होना चाहिए, उस दिन भी मैंने कहा था। और जो व्यक्ति योग्य है कमर में बिठा के बात करो, जो योग्य सामने आ जाओ, बस निर्णय तुम्हारा रहेगा, आशीर्वाद हमारा रहेगा। जैसे इंदौर सम्मेलन में हुआ था, 1200-1300 साधु साधवियाँ एक क्षमापना के आधार पर, कोई किसी का दोष नहीं, आप मुझे क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करता हूँ। क्या क्या बड़ी बात है, ये महावीर की क्षमा है। 1300 साधु साधवियाँ श्रमण संघ में एक हो गए, एक परिवार बन गया। बाकी बड़े बड़े क्रियापात्र संत हैं, 100-100 संत है, 3-3 टुकड़े हो गए उनके। क्यों? क्षमा को धारण करो, युवा शक्ति को इन्हें अच्छा प्रदर्शन किया है, पर युवा शक्ति साधना से जुड़े। ये प्रदर्शन, ये माला, ये शाल, कि मैं हकदार नहीं हूं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जिन्होंने सेवा की। आज कोई श्रावक समिति के बारे कहता है कि कॉन्फ्रेंस श्रावक समिति अलग नहीं है, कॉन्फ्रेंस श्रावक समिति दोनों मिलके काम कर रही है, सम्मेलन में भी किया, अब भी किया, आगे भी करेगी। श्रावक समिति केवल उन साधु साधियों का, जो कोई नहीं बनता, उनकी सेवा करती है। मैं कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछता हूँ, कितने संतों का इलाज आपने करवा दिया अभी? कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ कर सकती है, सक्षम है कॉन्फ्रेंस, परंतु कोई ऐसा वातावरण नहीं मिला। इलेक्शन हो गए, 3 करोड़ उसने खर्च कर दिया, 3 उड़ उसने खर्च कर दिया। तो मैं कहता हूँ, आप सज्जन आदमी हो, कुछ संघ के लिए, कॉन्फ्रेंस मातृ संस्था है, इतनी योग्यता है हमारे भीतर, योग्य व्यक्ति को आगे लाओ। क्यों इलेक्शन, सिलेक्शन करो। एक मोदी ने पूरे भारत में नहीं, विश्व में अपना नाम पैदा कर दिया। मेरे पास अमित शाह आए थे, यहाँ चल के आए, हमने बातचीत की, वो बहुत खुश हुआ, हमने साधना की बात की। एक व्यक्ति पूरे भारत, वो चाय बेचने वाला, जिसको लोग कहते कि समुद्र में डुबा दो उसको, उसने माँ को जाके प्रणाम किया, संसद को कहा कि मेरे मंदिर है। व्यक्ति में साधना होनी चाहिए। महात्मा गांधी का नाम विश्व में लिया जाता है, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के आधार पर एक लंगोटी और लाठी के साथ पर हमारा नाम ऊंचा कर दिया। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ऊंची हो, तुम्हारा नाम हो, कॉन्फ्रेंस को ऊंचाइयों पर ले जाओ। जो योग्य व्यक्ति आए, जो कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उसको आगे आइए। खैर, जी मेरा विषय नहीं था, पर मेरे से रहा नहीं जाता, जो दिल में बात होती है वो प्रकट कर ही देता हूँ, चाहे कोई नाराज हो जाए, चाहे प्रशंस हो जाए, उनकी मर्जी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद,
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, देह के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में परिपूर्ण है आत्मा। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो। मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा में श्रद्धा करके आत्मा में रमन कीजिए, आत्मा में स्थिर हो जाइए, आत्मा में डूब जाइए। आत्मा निराकार है, आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना नहीं ग्रहण किया, भोजन का भी ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की, पर आत्मा सर्वोच्च सर्वोत्तम स्थिति है आत्मा की। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रही न कोई। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रही न को। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। शुद्ध धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोहे सब सावनंग। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमंग संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुखहरण जगत में ओर न शरण कोई होगा, जो भव्यतानि करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल। आओ जी आओ, मेरी आओ, मेरी आओ, गाओ ली।